दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय रात के 9 बज चुके हैं और ये समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा के बड़े पंडित जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पंडित जी पंडित रामविलास शर्मा को भी अब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की याद आ रही है। पंडित जी भी सोच रहे हैं कि जाते जाते कुर्सी मिल जाए। और इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति की अन्य खबरों की। इसके साथ ही आपसे चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की विशेष सियासत की और एक खबर पर आपसे चर्चा करेंगे जो आपकी सेहत के लिए जानना जरूरी है। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज की दिन भर की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस कठिन समय में इसराइल के साथ खड़ा है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष पर यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस की अपील, कहा दोनों देश युद्ध को रोकें। इसराइल पर यूरोपीय यूनियन की बड़ी बैठक, ईयू के विदेश मंत्री हुए शामिल, हालात पर हुई चर्चा। गुजरात मोरबी ब्रिज हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश, ओरेवा कंपनी को ठहराया गया दोषी। फोन टैपिंग मामले में गहलोत के पूर्व एएजी पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, क्राइम ब्रांच में हुई पूछताछ। खुफिया दस्तावेज लिंक मामले में इमरान खान पर शिकंजा, 17 अक्टूबर को दोषी ठहराए जाएंगे इमरान। तो चलिए अब खबरें वो जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात अपने हरियाणा की और हरियाणा के अंदर भी दक्षिण हरियाणा की। दक्षिण हरियाणा के धुरंधर नेता हैं पंडित रामविलास शर्मा, बड़े पंडित जी के नाम से मशहूर हैं हरियाणा की राजनीति में भी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी। पंडित रामविलास शर्मा उस समय के नेता हैं जब देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की तूती बोलती थी, यानी कि जब बीजेपी के अंदर अटल आडवाणी का दौर था, उस दौर के नेता हैं पंडित रामविलास शर्मा। अगर पुराने सियासी लोग हों तो उनको आज भी ध्यान होगा कि किस कदर हरियाणा की दीवारों पर नारे लिखे होते थे, हरियाणा की मांग पुरानी, रावी और ब्यास का पानी, रामविलास की गूंजे बानी, दिल्ली में अटल आडवाणी। हालांकि आज ना अटल जी का दौर है, अटल जी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, देश के अंदर बेहतर शासन किया, ना आज आडवाणी जी का दौर है और ना ही आज पंडित जी का दौर है। लेकिन पंडित जी को जो पुराने उनके दिन थे उनकी याद बहुत आती है। और इसी को देखकर कहें तो जो सूबे के शिक्षा मंत्री रहे थे भाजपा के बड़े नेता रामविलास शर्मा का कहना है कि इस बार ब्राह्मणों की नज़र डिप्टी सीएम की नहीं बल्कि बड़ी कुर्सी पर है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। आपको याद होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कल ही कहा था कि ब्राह्मणों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो पंडित जी ने कहा है कि भैया उप मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि श्राद्ध के दिनों में हुड्डा जी को ब्राह्मणों की याद तो आई, लेकिन ब्राह्मण किसी कुर्सी का भूखा नहीं है। रामविलास शर्मा ने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी चुस्की लेते हुए कहा कि हुड्डा साहब खैर मनाए, मैंने तो आपका कांटा निकाला था, लेकिन अब वह शूल बनकर वाया कर्नाटक आ गया है। इस बात के बड़े मायने हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में बात कही जा रही है ये कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो इलेक्शन हुआ था बाई इलेक्शन उपचुनाव जींद का, कैथल के विधायक हुआ करते थे, कैथल के विधायक रहते राहुल गांधी ने उनको चुनाव लड़वाया था जींद से, और उस समय पंडित रामविलास शर्मा कहा करते थे कि हुड्डा का कांटा निकाल दिया। और वाया कर्नाटक इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि कर्नाटक के प्रभारी थे रणदीप सुरजेवाला, और कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद में रणदीप सुरजेवाला और मजबूत हो गए। तो यानी कि दादा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो उनकी दुखती रग थी उस पर हाथ रख दिया। इसके साथ साथ रामविलास शर्मा ने यानी कि बड़े पंडित जी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को निकाला था, हमने उनको संभाला। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में क्या विचार हैं, तो पंडित जी ने कहा कि उम्र तो 73 की हो गई है, लेकिन फिट पूरी तरह हूँ, चुनाव लड़ने का फैसला अगर पार्टी लेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, यानी कि चुनाव लड़ूंगा। तो यानी कि पंडित रामविलास शर्मा का भी नज़र जो हरियाणा के सूबे की बड़ी कुर्सी जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी कहते हैं, दादा हाल ही के चुनाव हार गए थे 2019 में विधानसभा का, राव दान सिंह ने चुनाव में हरा दिया था, लेकिन दादा की नज़र कुर्सी पर है। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ओपी धनखड़ साहब ने भी कहा था कि 2 नंबर की कुर्सी तो मिल चुकी है, 1 नंबर वाली कुर्सी पर नज़र है। तो मनोहर लाल जी जरा संभल कर, आपकी पार्टी वाले आपकी कुर्सी पर नज़रें जमाए हुए हैं। तो अब आपसे बात करते हैं उन 5 राज्यों की जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों की तारीख की घोषणा हो चुकी है
और इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी एक्शन मोड में है, अपनी अपनी पार्टियों की टिकटें बांट रहे हैं। हालांकि इसमें आघाड़ी तो बीजेपी निकल गई है, उन बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर कई कई प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन इस बीच रोहतक पहुंचे भाजपा के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जो भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने लोगों से कहा है कि जनता नरेंद्र मोदी के काम को पसंद कर रही है, इसलिए आने वाले चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। मनीष ग्रोवर ने SYL के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि इस पर कांग्रेस सियासत कर रही है। अभी एक मुद्दा कैंसर का रूप ले चुका है और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस को पहले ही पंजाब और हरियाणा के बंटवारे के समय समस्या का समाधान कर लेना चाहिए था। उस समय प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात का जवाब दें कि आखिर ये समस्या इतनी बड़ी कैसे बनी। ग्रोवर साहब कह रहे हैं कि पहले नहर की खुदाई जरूरी है जो पंजाब सरकार को करानी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक आने वाले हैं। दरअसल रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ की पुनर्निर्मित समाधि पर कलश स्थापना और मठ के सप्तम महेंद्र पीठ चांदनाथ योगी का 8वां भंडारा होगा 11 अक्टूबर को। इस भंडारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ यानी कि जो गौर पीठाधीश्वर अध्यक्ष हैं महेंद्र आदित्यनाथ योगी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत और पतंजलि योगापीठ हरिद्वार से योग गुरु स्वामी रामदेव, जूना अखाड़े से आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी समेत कई संत सन्यासी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर 90 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा मंच सजाया जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो रहे हैं। तो ये तो बीजेपी की तैयारियां हैं, वहीं कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस की हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस इकाई हरियाणा की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में रैली करने जा रही है। ये रैलियां होंगी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में। रैलियों की शुरुआत 1 नवंबर को यानी कि हरियाणा दिवस से होगी। विधानसभा क्षेत्र स्तर पर होने वाले कार्यक्रम को जन आक्रोश रैली का नाम दिया गया है और अब पूरे प्रदेश में शुरू होने वाले इस अभियान को कांग्रेस लाओ देश बचाओ का नाम दिया गया है। तो ये बात हुई हरियाणा की। अब आपसे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य जिसकी कल हमने आपको मिजोरम के बारे में बताया था। गौरतलब है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होंगे यानी कि 7 और 17 नवंबर को। राजे रजवाड़ों का दौर खत्म हो चुका है लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की सियासत में राजघराने की खासी भूमिका है। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भी राजघराने के सदस्य अपनी मौजूदगी को दिखा रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर यानी कि 18 सीटों पर राजघराने का वर्चस्व रहता है। राजघराने के प्रभुत्व वाली इन सीटों पर या तो राजघरानों का ही कोई शख्स चुनाव लड़ता था या फिर उनका कोई खास आदमी अपनी किस्मत आजमाता था। लेकिन राजघराने का जो झुकाव रहा है वो हमेशा कांग्रेस की तरफ रहा है। अब अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो पहले हिस्सा था और उन दिनों चुनाव में अक्सर राजघराने के लोग अपनी किस्मत आजमाया करते थे। आदिवासी बहुल्य छत्तीसगढ़ 2000 में अस्तित्व में आया था। लंबे समय तक ये कांग्रेस का गढ़ रहा है छत्तीसगढ़। हालांकि 2013 की बात की जाए तो उससे पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था। 1998 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले योगेश्वर ने बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह को हराया था। 2003 में उन्होंने भाजपा के डोसिया राम साहू को भी हराया लेकिन 2009 में चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। राज्य की राजधानी रायपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से 17वां प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में 27 ज़िले हैं। छत्तीसगढ़ का पौराणिक नाम जो है वो दक्षिण कौशल रहा है। आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ 44 साल तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1 नवंबर 2000 को उसे मध्य प्रदेश से विभाजित कर अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड, तो दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित हैं। छत्तीसगढ़ ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ घने जंगल वाला प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सदस्य हैं, 11 लोकसभा और 5 सदस्य राज्यसभा के चुने जाते हैं। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स अजीत जोगी थे। छत्तीसगढ़ भारत के प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्यों से माना जाने वाला एक राज्य है। इस बार छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने जा रहा है और कांग्रेस में भी भूपेश बघेल सबसे आगे हैं। उनका जो वर्चस्व है जनता में आज देखने को मिल भी रहा है और चुनाव परिणाम तो जो होगा सो होगा,
लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल का जलवा आज भी कायम है। तो ये सियासी खबरें थी, अब वो खबर जो आपके मतलब की है, आपके लिए जानना जरूरी है। आपाधापी और भागा दौड़ी वाली जिंदगी में किसी के पास समय ही नहीं है, ऐसे में हर दिन व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। इसी को लेकर एम्स्टर्डम के विजय यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सामने आया है, जिसमें वैज्ञानिकों ने अवसाद से ग्रस्त 141 रोगियों पर रिसर्च किया तो ये पता चला कि 45 लोगों को अवसाद को लेकर एम्स्टर्डम के विजय यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा है कि अवसाद से ग्रस्त 141 रोगियों पर रिसर्च किया गया था, पाया गया कि 45 लोगों को अवसाद रोधी दवाएं और 96 लोगों ने 16 हफ्ते तक दौड़ने का फैसला किया है और आखिर में दोनों ही समूह के 44% लोगों को अवसाद से राहत मिली, लेकिन दौड़ने वाले मरीजों के मोटापे में भी कमी आई, हृदय गति में भी सुधार हुआ और शरीर भी फिट हो गया। इस रिसर्च में जिन मरीजों ने दौड़ को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया उनके डिप्रेशन में 16 हफ्ते के बाद दवाइयां लेने वाले मरीजों के बराबर कमी आई। यानी कि आप बिना दवाई के अगर सिर्फ दौड़ लगा लेंगे, यानी कि एक्सरसाइज कर लेंगे, सैर कर लेंगे, तो इस अवसाद से बच सकते हैं। नियमित रूप से दौड़ने से और सैर करने से डिप्रेशन खत्म होता है। डिप्रेशन को मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या के तौर पर भी देखा जाता है। उदासी की भावना बढ़ जाती है, आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट कम लेते हैं जो आपको खुशी देते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी समस्याओं से इतना घिर जाता है कि कभी कभी वह आत्महत्या करने की सोचने लगता है। लगातार दुखी रहना, कामों में रुचि नहीं लेना, नींद नहीं आना या नींद ज़्यादा आना, थकान रहना या ऊर्जा की कमी हो जाना, निर्णय लेने में कठिनाई होना, एकाग्रचित नहीं हो पाना, ये सब डिप्रेशन की बातें हैं। साल 2019 में 28 करोड़ मरीज पूरी दुनिया में डिप्रेशन के शिकार हुए। इसमें 2.3 करोड़ बच्चे शामिल थे जिनकी उम्र 14 साल से भी कम है। मानसिक विकारों से ऐसे बच्चे गुजर रहे थे। अगर आप अपने डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स का निर्माण कीजिए, यानी कि हर दिन दौड़िए, हर दिन भागिए, हर दिन तेज चलिए, अपने शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन का निर्माण कीजिए। नेगेटिव थॉट्स को, यानी कि नकारात्मक सोच को खुद से दूर रखिए। दौड़ने से शरीर में बनने वाले दूसरे हार्मोन जैसे एंड्राफिन और ग्लूटामेट, मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला नकारात्मक ख्यालों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर आप हर दिन दौड़ेंगे तो आपके शरीर और मस्तिष्क को आराम करने का संकेत मिलेगा, आपको अच्छी नींद आएगी और अगर आप नियमित तौर से दौड़ने से आपका वजन भी कम होगा, इससे आपकी पर्सनैलिटी भी बेहतर होगी। डिप्रेशन के मरीजों में यह बात सकारात्मक साबित होगी। तो इस सकारात्मक विचार और सकारात्मक खबर के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।